बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरब दमाम शहर से। आज हम इस रेस्टोरेंट के ऊपर से नाश्ता करेंगे। इससे पहले तो पिछले जुमे की मेरी वीडियो थी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ऊपर, लेकिन आज का सुबह का नाश्ता हम इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से करेंगे। आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिखाते हैं और क्या कुछ है यहाँ पर और कितने का नाश्ता यहाँ से मिलता है, क्या टेस्ट है आज के इस रेस्टोरेंट का, टेस्ट देखा जाएगा। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है चाचे का। यहाँ पर स्वीट्स मिठाई भी होती हैं, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इसके ऊपर बनाऊंगा। फिलहाल आज का हम नाश्ता इस पाकिस्तानी मतम का टेस्ट चेक करेंगे। चले दोस्तों हमारे साथ साथ और आपके साथ शेयर करते हैं। ये रेस्टोरेंट दमाम है अल खलीज अल मरूफ उस्मान स्वीट का रिव्यू किया जाएगा। मेरे सामने नाश्ता आ चुका है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या कुछ है मेरे पास और कौन सा मैंने पराठा लगाया, ज़रा देखिए ज़रा। और आज का टेस्ट ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं ठीक ना, बांग्लादेशी हैं, तो आप ये हमारे साथ चने आ चुके हैं और एक आलू वाला परांठा है जो मुझे बहुत पसंद है जी। खासकर मैं जुमे वाले दिन छुट्टी करनी होती है तो जुमे वाले दिन जो मैंने पराठा खाना होता है वो आलू वाला खाना होता है। देख लीजिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पड़ गया है, आलू साथ लगे क्या बात है माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलिए नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आलू वाले हैं उनके पाँच आलू वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए हमारे रेस्टोरेंट का नाम की उस्मान स्वीट के नाम से जो है ना ये अल खलीज में है ये। और नाश्ते में जो है हमारा यहाँ पे सुबह के वक्त पराठा है, सादा पराठा है, अंडे वाला है, मूली वाला है, गोभी वाला है, ये हमारे मिलते हैं यहाँ पे। हलवा पूड़ी जो है हमारी वैसे जुमे वाले दिन बहुत स्पेशल होता है। हाँ जी, क्योंकि छुट्टी होती है लोगों को, लोग फिर आते हैं एंजॉय करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो नाश्ता है वो लोग बाहर से आते हैं नाश्ता करने के लिए। सुना भी है, आप टेस्ट भी कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा है इसका टेस्ट। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद ये 13 साल हो गए हैं यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इसी नाम से काम कर रहे हैं उस्मान स्वीट के नाम से। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के उस्मान स्वीट एक नाम है खलीज के अंदर, दमाम के अंदर। लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी जैसे फूड्स हैं शाम के वक्त में सुबह पराठे के लिए आ जाते हैं, और शाम को जो है जैसे आप कह लें समोसे हैं, पकौड़े हैं, चाट हो गई, रस मलाई है, फलूदा है, इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आते हैं। दोस्तों के साथ आते हैं, उनके तो मेहमान आए तो उनके लिए लेके भी आते हैं और उनको लेके भी आते हैं और लेके जाते भी हैं उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आते हैं यहाँ पे, इवन के पंजाबी सिख भी आते हैं यहाँ पे, वो भी आ जाते हैं बाज का, और बंगाली बांग्लादेशी हैं, नेपाली भी आते हैं नाश्ते के लिए, अभी लोग लेते जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि हमारे जो आटे की रेसिपी है, आटे बनाने की रेसिपी, वो ज़रा हट के है आम लोगों से। हमारा पराठा ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी आप गंदम का आटा खा रहे हो ना जी, जी इस तरह का जो है ना हमारा पराठा देखा है। हाँ जी, नहीं अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ जो है ना, पराठा ले लें, मिठाई हो गई हमारी, चाट है, समोसा हो गया, कोई भी चीज़ आप देखें, आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना आपको पाकिस्तानी टेस्ट के करीब मिलेगा। सिर्फ हम समझते हैं कि पानी का फ़र्क है, अदरवाइज पाकिस्तानी पानी भी होना था, हम वो चीज़ हैं जो पाकिस्तान में आप मिलते हैं। हाँ जी, लोग अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, विजिटर्स आते हैं तो पराठे भी लेके आते हैं यहाँ पे, लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए लेके जाते हैं यहाँ से, और फैमिली के साथ आते भी हैं, प्लस शाम को जो है वो फैमिलीज़ को भी यहाँ पर लेके आते हैं, स्पेशली समोसा पकौड़ा और चाट हो गए, हमारे पास दही भल्ले है, रस मलाई हो गए, फलूदा है, इन चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए बड़ा अच्छा हमारा सेटअप है, आप आइए विजिट कीजिए। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी नाश्ता कर रहे हैं, ज़रा पूछते हैं इनसे कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का नाश्ते का टेस्ट कैसा है ज़रा। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये कहना है कि यहाँ पर टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ज़रा पूछते हैं भाई से। वालेकुम अस्सलाम, नाश्ता किया है तो कैसा है नाश्ता? माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता भाई, बहुत अच्छा।
क्या आप पहले भी यहाँ पर आते हैं या आप आज पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आया। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। माशाल्लाह यहाँ पर जुम्मे वाले दिन पाँव धरने की जगह नहीं होती, बहुत रश होता है जुम्मे वाले दिन खासकर। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह टेस्ट है इस रेस्टोरेंट का, और साथ साथ मैं यहाँ पर आज नाश्ता भी किया है, और सुनते भी हैं तकरीबन 10-12 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कहा जाता है कि उस्मान स्वीट का नाश्ता यानी कि दूसरे होटलों से अच्छा है, और यानी कि पराठा भी बड़ा होता है यानी कि दूसरे वजन से भी ज़्यादा होता है, बहुत ही टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जो कि मैंने यहाँ पर आज चेक भी किया है। इससे पहले भी नाश्ता हम करते थे, लेकिन आज मैंने सोचा था कि आज उस्मान स्वीट से नाश्ता करेंगे और आपके साथ ये रिव्यू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का चेक करेंगे, और ये प्रदेश में मध्य प्रदेश के अपने मुल्क के पाकिस्तान के, यहाँ पर ये नहीं कि पाकिस्तानी भी नाश्ते करते हैं, और इंडियन बांग्लादेशी अदर कंट्रीज के लोग भी पाकिस्तानी नाश्ते को लाइक करते हैं। चलिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त, एक अगले ब्लॉग में हम आपके साथ आ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।